गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 8। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 8 रीड करेंगे। लेसन का नेम है ही वर्ड एंड शी वर्ड जेंडर। बच्चों, आज हम जानेंगे कि जेंडर कौन कौन से होते हैं। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ए नाउन कैन बी अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। एक संख्या लिविंग वस्तु या नॉन लिविंग वस्तु हो सकती है। लिविंग बींग्स आर इधर मैस्कुलाइन और फीमाइल। जो लिविंग वस्तु होती है, लिविंग चीज होती है, उसको मैस्कुलाइन या फीमाइल में बांटा गया है। इट कैन बी समटाइम्स कॉमन जेंडर ऑल्सो। इसमें इनमें से कुछ कॉमन जेंडर भी होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूचर जेंडर। जो नॉन लिविंग वस्तु होती हैं उसको क्या कहा जाता है? न्यूचर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं, उनको क्या कहा जाता है? न्यूचर जेंडर। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़े। फर्स्ट है सोहन इज ए बॉय। सोहन एक लड़का है। इसमें क्या है? सोहन, ठीक है। नेक्स्ट है आशा इज ए गर्ल। आशा एक लड़की है। इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में द बोल्ड इटैलिक वर्ड्स आर जेंडर्स। ये जो बोल्ड हैं, बोल्ड इटैलिक हैं, जो उनसे वो क्या है? जेंडर हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में है सोहन और सेकंड वाले में आशा, तो ये कौन से जेंडर्स हैं? इन द फर्स्ट सेंटेंस सोहन इज मेल बॉय, सो ही इज मैस्कुलाइन जेंडर। जो फर्स्ट सेंटेंस है सोहन इज अ बॉय, सोहन एक लड़का है, इसमें सोहन है वो क्या है? कलर्ड वर्ड है, यानी कि बोल्ड इटैलिक है, तो ये क्या है? जेंडर। अब ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि ये एक लड़का है, तो जब लड़के की बात हो रही हो तो कौन सा होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में आशा इज फीमेल, सो शी इज फीमाइन जेंडर। आशा इज अ गर्ल, आशा एक लड़की है, तो ये क्या है? आशा एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो ये कौन सा जेंडर है? फीमाइन जेंडर। अब नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ जेंडर, संज्ञा जेंडर के प्रकार। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। चार प्रकार के होते हैं जेंडर इंग्लिश में। दे आर नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है मैस्कुलाइन, सेकंड है फेमाइन, थर्ड है कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। कौन कौन से होते हैं चार प्रकार के जेंडर? फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमाइन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर, फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। अब हम इन्हें ब्रीफ में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, नाउंस दैट रेफर टू अ मेल इज नोन एज अ मैस्कुलाइन जेंडर। संज्ञा जो एक पुरुष के बारे में बताए उसे कौन सा जेंडर कहा जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर। ऑल द लिविंग मेल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। जो लिविंग मेल्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़े। फर्स्ट है ब्रदर, इसमें जेंट्स यानी कि लड़के के बारे में बात हो रही है, जब लड़के के बारे में बात हो रही है तो वो क्या है? मैस्कुलाइन। नेक्स्ट है डॉग, डॉग भी क्या है? मेल है, तो ये क्या आएगा? डॉग क्या कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन। नेक्स्ट है किंग, किंग मेल है, तो इस कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास फीमाइन जेंडर। फीमाइन जेंडर, नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज नोन एज अ फीमाइन जेंडर। फीमाइन जेंडर जो संख्या फीमेल के बारे में बताए उसे कहा जाता है फीमाइन जेंडर। ऑल द लिविंग फीमेल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। सभी लिविंग फीमेल्स इस कैटेगरी में आती हैं, यानी कि सभी लिविंग फीमेल्स हैं जो उनसे वो फीमाइन जेंडर में आती हैं। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरण पढ़े। फर्स्ट है सिस्टर, सिस्टर एक गर्ल है, तो ये क्या है हमारा? फीमाइन जेंडर। बीच, बीच भी फीमेल है, तो ये क्या आएगा हमारा? फीमाइन जेंडर। नेक्स्ट है क्वीन, क्वीन क्या है? फीमेल है, तो इसलिए केस में आएगा फीमाइन जेंडर में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है रीड एंड लर्न द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलाइन एंड फीमाइन जेंडर। बच्चों, ये नीचे मैस्कुलाइन और फीमाइन जेंडर्स के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनको पढ़ना और समझना है। फर्स्ट है मैस्कुलाइन, नेक्स्ट है फीमाइन। मैस्कुलाइन ब्रदर, ब्रदर इज मतलब कि फीमाइन में क्या आएगा? सिस्टर। बुल, बुल का फीमाइन क्या आएगा? काओ। एंड कॉक, कॉक का क्या आएगा फीमाइन? हैन। होस्ट, होस्टेस। इंपीरियर, इम्प्रेस। नेक्स्ट है मास्टर, मिस्ट्रेस। पीकॉक, पी हैन। वेटर का फीमाइन क्या आएगा? वेट्रेस।
सर का क्या आएगा फिमाइन मैडम नेक्स्ट है स्ट्रैक स्ट्रैक का हिंद क्या आएगा फिमाइन चैंडर हिंद नेक्स्ट है हमारे पास हंटर हंटर का फिमाइन क्या आएगा हंट्रेस नेक्स्ट है गॉड गॉड का फिमाइन क्या आएगा गोल्डेस नेक्स्ट है बॉय बॉय का फिमाइन क्या आएगा गर्ल नेक्स्ट है हमारे पास हीरो हीरो का फिमाइन क्या आएगा हीरोइन हस्बैंड हस्बैंड का फिमाइन वाइफ लॉयन लॉयन का फिमाइन क्या आएगा लॉयनेस लॉर्ड लॉर्ड का फिमाइन क्या है लेडी नेक्स्ट है मैन मैन का फिमाइन क्या होगा वुमेन नेफ्यू नेफ्यू का फिमाइन नाइस नेक्स्ट है पोइट पोइट का फिमाइन पोइटेस नेक्स्ट है डियर डियर का क्या आएगा डो नेक्स्ट है सन सन का फिमाइन आएगा डॉटर नेक्स्ट है हिज का फिमाइन क्या आएगा हर एंड नेक्स्ट है फादर फादर का फिमाइन क्या आएगा मदर फोक्स फोक्स का फिमाइन क्या आएगा विक्सन हेडमास्टर हेडमास्टर का फिमाइन हेड मिस्ट्रेस नेक्स्ट है एक्सरसाइज बच्चों अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज रीड करते हैं फर्स्ट है ए पार्ट है हमारे पास राइट द मैस्कुलाइन ऑफ द फ्लोइंग ये नीचे ने भी कुछ वर्ड दे रखे हैं इसके हमने मैस्कुलाइन लिखने हैं मैस्कुलाइन जेंडर लिखने हैं जैसे कि मैस्कुलाइन जेंडर लिखना है जैसे कि इसमें दे रखा है लेडी फर्स्ट है लेडी लेडी का मैस्कुलाइन क्या होगा लॉर्ड नेक्स्ट है मदर मदर का मैस्कुलाइन में क्या आएगा फादर लॉयनेस लॉयन का लॉयनेस का क्या आएगा मैस्कुलाइन में लॉयन प्रिस्टेस प्रिस्टेस का क्या आएगा प्रिस्ट आर पी आर आई ई एस टी प्रिस्ट नेक्स्ट है नाइन्थ काउ काउ क्या आएगा मैस्कुलाइन बुल नेक्स्ट है इलेवेंथ हैन हैन का क्या आएगा मैस्कुलाइन कॉक नेक्स्ट है सेकेंड मैडम सर प्रिंसेस का क्या आएगा प्रिंस होस्टेस का क्या आएगा होस्ट बी का क्या आएगा ड्रॉन नेक्स्ट है डक डक का क्या आएगा मैस्कुलाइन जेंडर ड्रे मेयर का क्या आएगा हॉर्स मेयर का क्या आएगा हॉर्स बी पार्ट है राइट द शी वर्ड फिमाइन ऑफ द फ्लोइंग बच्चों ये नीचे शी वर्ड दे रखे हैं इसका फिमाइन जेंडर लिखना है हमने जैसे कि फर्स्ट है टाइगर ये हमारे पास ही वर्ड दे रखे हैं इसका क्या लिखना है फिमाइन जेंडर फर्स्ट है टाइगर टाइगर का फिमाइन क्या होगा टाइग्रेस सेकंड है मैन मैन का क्या होगा फिमाइन वूमेन नेक्स्ट है थर्ड मास्टर मास्टर का क्या होगा मिस्ट्रेस फोक्स फोक्स का होगा विक्सन फिफ्थ है नेफ्यू नेफ्यू का आएगा नीस सिक्स्थ है मोंक मोंक का आएगा फिमाइन नन एक्टर एक्टर का फिमाइन क्या आएगा एक्ट्रेस पीकॉक का क्या आएगा फिमाइन जेंडर पी है नेक्स्ट है नाइन्थ डॉग डॉग का आएगा बिच टेंथ है फादर फादर का आएगा मदर इलेवेंथ है ग्रैंडफादर का फिमाइन जेंडर है ग्रैंड मदर स्टैक का फिमाइन है हिंद नेक्स्ट है हमारे पास री राइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज बाई चेंजिंग द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स बच्चों ये नीचे कुछ सेंटेंसेज दे रखे हैं इसमें से जो हाईलाइट वर्ड है उसको क्या करना है उसके जेंडर को चेंज करना है और सेंटेंस को दोबारा से राइट करना है फर्स्ट है द पीपल वेलकम द प्रिंसेस वार्मली यानी कि कलर्ड वर्ड कौन सा है हाईलाइटेड वर्ड क्या है प्रिंसेस प्रिंसेस का क्या आएगा प्रिंस द पीपल वेलकम द प्रिंस वार्मली नेक्स्ट है हिज सन प्लेज फुटबॉल वेल हिज सन का क्या आएगा डॉटर हिज डॉटर प्लेज फुटबॉल वेल थर्ड है द टाइगर वाज वॉकिंग स्लोली द टाइग्रेस वाज वॉकिंग स्लोली फोर्थ है राम्स मदर इज वेरी फास्ट इसमें कलर्ड वर्ड कौन सा है मदर राम्स फादर इज वेरी फैट फिफ्थ है द किंग किल्ड अ लायन यस्टरडे किंग है कलर्ड वर्ड द किंग का क्या आएगा क्वीन द क्वीन किल्ड अ लायन यस्टरडे बच्चों इसी प्रकार से करना है नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स वन की एक्सरसाइज है ए पार्ट है इसका
सी द पिक्चर केयरफुली, बच्चों इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो, एंड मैच द मैस्कुलाइन जेंडर विद द फेमिनिन जेंडर। ये मैस्कुलाइन जेंडर दे रखे हैं एक रो में, तो दूसरी तरफ है फेमिनिन जेंडर, हमने देखना है और मैच करना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है, पहली पिक्चर है किसकी है, बॉय की, तो बॉय का क्या होगा फेमिनिन, गर्ल। अब गर्ल की पिक्चर देखो कौन सी है, ये है, तो इसके साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट है डॉग, डॉग का फेमिनिन क्या होता है, बिच, तो इसलिए इसके साथ मैच कर दिया। थर्ड है किंग, किंग का क्या होता है फेमिनिन जेंडर, क्वीन, मैच कर दिया। नेक्स्ट है काउ, बुल, बुल, बुल का क्या होता है, काउ, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, काउ। नाउ अगेन रीड, सी द पिक्चर्स केयरफुली एंड मैच द मैस्कुलाइन जेंडर विद द फेमिनिन जेंडर। बच्चों पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखना, एक एक तरफ रो में दे रखा है मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरी तरफ है फेमिनिन जेंडर, दोनों को मैच करना है। मैस्कुलाइन का जेंडर फेमिनिन में क्या होगा उसके साथ मैच करना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। फर्स्ट पिक्चर है एक बॉय की है, और हमने देखना है कि दूसरे में क्या है, बॉय का क्या होता है फेमिनिन जेंडर, गर्ल, तो अब गर्ल की पिक्चर कौन सी है उसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है डॉग, डॉग का फेमिनिन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, बीच, अब डॉग को बीच के साथ मैच कर देना। नेक्स्ट है थर्ड किंग, किंग का क्या होता है फेमिनिन जेंडर, क्वीन, अब क्वीन की पिक्चर कौन सी है उसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है फोर्थ बुल, बुल का क्या होता है फेमिनिन जेंडर, काउ, अब बुल को काउ के साथ मैच कर देना है। बच्चों इसी प्रकार से करना है इसे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 8 रीड भी किया है। बच्चों जो भी होमवर्क आपको स्कूल से दिया जाता है वह अच्छे ढंग से व साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपी या बुक में करें। बच्चों इसकी जो बैक एक्सरसाइज है आपको इसे बुक में फिल करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।